हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ गाइस। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव का एक छोटी सी नाला। अपने गांव के हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस नाले में आकर पानी नहाते हैं, लेकिन क्या करें, नहाने का साधन तो है ही नहीं। अपने यहाँ नल भी है लेकिन बहुत कम है गाइस, तो इसकी वजह से यहाँ पर आके नहाना पड़ता है। तो आपको मैं अभी यहाँ पर दिखाऊँगा, तो गाइस देखिएगा। जहाँ पर गर्मियों को दिनों में ज़्यादातर पानी सूख जाया करती है, गर्मियों में सिर्फ हैंडपम्प का ही उपयोग किया जाता है। हैंडपम्प तो बहुत ही कम है, अभी जैसे तैसे भी काट लेते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है गाइस। तो अपने गांव का प्राणदायिनी यानी जीवनदायिनी जो भी एक है नाला, बहुत ही मस्त है। 12 महीने में इस नाले में हम खुशी से अपना यूज करते हैं पानी का, तो देख सकते हो। तो गाइस अभी आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको नाला। ये देखिए गाइस, कितना छोटा सा नाला है देखिए, और पानी कितना प्योर लग रहा है। ऐसे लग रहा है मिनरल वाटर हो, जैसे पानी बोतल में भरा हुआ हो, ऐसा साफ नज़र आ रहा है गाइस। ये आप देख सकते हो, ये ऊपरी भाग का हिस्सा है। यहाँ पर पुल बना हुआ है लगभग 10 मीटर का गाइस, इधर रोड गया हुआ है। मैं वहीं से आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ गाइस, नीचे उतर के। ये देखिए पानी कितना साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ भी है, देख सकते हो गाइस। ये आप देख सकते हो, मैं पुल के ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए चारों ओर का नज़ारा इस प्रकार से दिखता है गाइस। यहाँ पर ना पहाड़ी है, कुछ नहीं है, इतना चट्टान है गाइस। ये देखिए पूरा रेतीला ज़मीन है, रेगिस्तान समझो। ये देखिए इधर नीचे का नज़ारा है पुल के नीचे से। ये देखिए अभी नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ पुल। ये देखिए अभी अभी पुल बना हुआ है, लगभग 1.5 साल हो गया पुल बने हुए गाइस। इधर देख सकते हो,